वेलकम टू कार्ब एकेडमी। और आज की क्लास में क्लास 9वीं के गणित प्रश्नावली 11.2 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें प्रश्नावली 11.2 में सिर्फ गोला का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो बहुत ही आसान सूत्र है। आप इसी प्रश्नावली को बनाते बनाते सारे फार्मूला को याद कर लोगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे को फार्मूला नहीं याद है, ऐसा नहीं बोलना है आपको, ठीक है। याद हो जाएगा यहीं पर, आप बस देखो, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न बनाते हैं। हमसे क्या बोला गया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या दिया है, देखेंगे त्रिज्या। ये सारे क्या है, त्रिज्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गोले का त्रिज्या जो दिया है ना, उसको लिखेंगे। गोले का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² 4πr² होता है। ये देखो 4 का 4, पाई का मान कितना होता है 22/7, गुना आर का मान क्या दिया है 10.5 गुना 10.5। ये दशमलव हटाएंगे, 1 जितना अंक उतना 0, दशमलव हटाएंगे 1 जितना अंक उतना 0। यहाँ से क्या करते हैं, इसको 4 से कटाते हैं 2 बार में, 2 से 5 बार में, ठीक है। 2 से 2 दुनिया 4, 2 5 6 10। इसको करा सकते हैं 7 एक बार में और 7 5 35 15 बार में। फिर इसको 5 से कटा सकते हैं, 5 3 15। फिर इसको मैं 5 से कटा सकता हूँ कितने बार में, 5 9 10 21 बार में। इसको भी कटा सकता हूँ 2 बार में, 2 से 2 कटा दिया मैंने, यानी सारे के सारे कट गया। तो कट गया तो क्या क्या बच गया भाई, 1 22 बचा हुआ है, 1 3 बचा हुआ है और 1 21 बचा हुआ है। इन दोनों क्या कर देंगे, गुना 22 3 66 66 और कितना से 21 से गुना करना है, 66 और 21 से गुना करेंगे तो 1300 कितना 86, 1386 आ जाएगा। कितना आएगा, 1386 सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल निकालते समय स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, इतना, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड भी जस्ट ऐसे ही बनेगा। आपको त्रिज्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे गोले का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या क्या दिया है, आर का मान दिया है 5.6 सेंटीमीटर। तब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² आर का मान रख दो, 4 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान है 5.6 गुना 5.6। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 1 जितना अंक उतना 0, दशमलव हटाएंगे 1 जितना अंक उतना 0, 7 8 56, 8 बार में कट गया, 2 2 के 4, 2 5 6 10। अब तो नहीं कटेगा, फिर कट जाएगा ये 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुना करके भाग दे देंगे। अब बच गया 2 22 और यहाँ से 56 गुना 4 और नीचे 5 गुना 5, तो क्या हो जाएगा, 22 दुनी 44, इसको गुना करते हैं, ठीक है। आइए,
बाई दूनी 44, 44 को 4 से करेंगे, चार चौका 16, चार चौका 16 एक 17, 176, 56 से गुना कर देंगे, 56 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 6 36 के 6, 7 6 42, 42 42 3 45 की 5 हासिल 4, 6 4 10, 6 5 30, 7 5 35, 3 38, 5 3 8, ये 6 5 8 9 इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, 98 56 में 25 से भाग देंगे, 25 3 75, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से 2, ठीक है, ऊपर से 5 उतारेंगे, 25 9 कितना होगा, 9 बार में चल जाएगा, 9 5 45 की 5, 9 2 18, 19 20 21 22, ये हो जाएगा 225, यहाँ से आ जाएगा 10, फिर 6 उतारेंगे, 25 3 75, यहाँ से आ जाएगा 5 1 6, यहाँ से 31, नहीं जाएगा 0 कर देंगे। अब आगे करेंगे, नहीं नहीं 25 एक बार में चला जाएगा, 31 है ना, 25 एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा क्या, 31 है ना, तो 25 25 25 25 25 चार बार में जाएगा यार, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, यहाँ से आ गया 6, अब नहीं जाएगा तो पॉइंट बैठाएंगे 0, 25 दूनी 50, अभी भी नहीं गया, यहाँ से आ जाएगा 10, 0 बैठाएंगे, 25 चौका 100, यानी इतना बार में भाग देने पर चला जाएगा। जब मैंने इसको गुना किया तो आया है 9 8 5 6, अब 5 5 गुना करेंगे 25, अब देखो इसको भाग देंगे ना, 3 9 4.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से सब करते रहो आप लोग ही, ठीक है, अब मेरे को मत कहो कि सर यहीं पर करो, इसीलिए मैं वीडियो एडिट जब करता हूँ ना, एक गुना भाग काट देता हूँ, डायरेक्ट सिर्फ आंसर लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग बोलते रहते हो तो सब करो, खुद से करो। ठीक है, चलो तीसरा है, त्रिज्या हमारा 14 दिया है, लिखेंगे गोले का त्रिज्या क्या दिया है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर, लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr². ठीक है, अब ये देखो 4 का 4 पाई यानी 22/7, r² r का मान है 14, 14 × 14, 7 × 14, यहाँ से गुना करेंगे, 4 × 22 × 14 × 2 क्या आएगा, 22, इसको गुना करो, 22 चौक 88, 88 और 28 से गुना कर दो, 88 28 को गुना करेंगे तो 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44, 8 2 16, 8 2 16 और 1 17 जोड़ दो, 0 0 11 1 12, 1200 आ जाएगा, कितना आएगा, 1200 आएगा, कहीं तो मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, कहीं तो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ 25 से नहीं करना है बल्कि 28, अभी हमने बोला यहाँ पर लिख दिया तो कुछ और कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, फाइनली मैंने इसको जब गुना किया तो आया है 2464, आप लोग क्या करो खुद से मतलब किया करो, अब मैं जो गुना कर रहा हूँ ना उसको एडिट कर दूंगा, दिखाऊंगा नहीं आपको, ठीक है, खुद से करो, आप लोग गुना आता होगा अच्छे तरीके से, मेरे को पता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, नहीं ना, चलिए प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है इसी के साथ। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, व्यास दिया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जस्ट वैसे ही बनेगा, थोड़ा सा चेंजिंग, ये जो व्यास दिया है ना गोले का, क्या दिया है, व्यास, हम व्यास से क्या करते हैं, त्रिज्या आधा कर लेते हैं, तो लिखेंगे गोले का व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा 7 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब चलिए, अब क्या करेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। जब त्रिज्या मालूम चल गया था, आसानी से निकाल लेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr². 4 का 4, पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है, 7 × 7, 7 7 कटा दो, अब गुना कर दो, बच्चों का 88, 88 और 7 से गुना करोगे तो 8 × 7 = 56 यानी 616 हो जाएगा cm². ठीक है। अब दूसरा देखो, सबसे पहले गोले का व्यास दिया हुआ है, गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, इसका आधा कर लेंगे तो 10.5 आ जाएगा। अब लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², ये 4 का 4, पाई का मान 22/7 और आर है 10.5 × 10.5, दशमलव हटाएंगे 1 जितना अंक उतना 0, दशमलव हटाएंगे 1 जितना अंक उतना 0, 7 से 21 बार में कट जाएगा और 2 से 2 बार में 2 5 10, ये 5 बार में और 2 से 2 कट गया, अब 5 से 100 कटा दो, 5 × 10 21 बार में, ठीक है, 21 बार में 5 × 10 1, अच्छा, ये तो नहीं कटेगा ना, ये 15 बार में कटेगा, ये 15 बार में, ठीक है, नीचे 5 बच गया हमारा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, अब इसको भाग दे दूँ, जो कटेगा तो सही है, जो नहीं कटेगा रहने देंगे। चलिए 22 बच गया है, 21 बच गया है और 15 बच गया है, इसमें 5 से भाग देना है, ठीक है। तो 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए यदि मैं 5 से भाग देता हूँ तो मैं पहले तो गुना कर लूँ, 22 × 21, ये 2, ये 4, 2 6 4 आ गया इतना, फिर 15 से करूँगा, 5 × 2 = 10, 5 6 = 30, 1 31, 5 × 20 और 3 23, 2 6 4, 0 3 9 4 2 6, इतना आ गया 6 9 3 0, इसको 5 से भाग दे दो, 5 एक बार में, 5 × 3 = 15, 4 5 × 8 = 40, 8 बार में, 30 × 5 = 30, 1386। यार ये तो मैं यहाँ पर कटा देता, ध्यान ही नहीं गया, कोई बात नहीं, जब मैंने 69 30 में 5 से भाग किया तो आया है 1386, मिस्टेक हो गया, ये ध्यान ही नहीं गया, 15 से 5 कट जाता, छोटा हो जाता, बट कोई नहीं। चलो तीसरा देखो, गोले का व्यास क्या दिया है, गोले का व्यास है 3.5 मीटर में दिया है, ठीक है, मीटर में क्या, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में होगा क्योंकि 2 क्वेश्चन सेंटीमीटर 1 मीटर में नहीं देगा। यहाँ से त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा, इसका हाफ, हाफ मतलब 3.5 को आधा करोगे यानी 3.5 में 2 से भाग दे दोगे, दशमलव हटेगा 1 0, अब इसको कटा दो, ये कितना बन गया, 35/20 बन गया, 5 × 7 = 35, 5 × 20 यानी 7/4 बन गया त्रिज्या। अब चलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr², तो 4 का 4, पाई का मान 22/7, आर का मान है 7/4 का² ये हो जाएगा 4 × 22/7
सात बटा चार गुना सात बटा चार, सात सात कट गया, चार चार कट गया, और चार दो बार में ये ग्यारह बार में, ग्यारह सात सतहत्तर, सतहत्तर बटा दो भाग देंगे, द्वितीयाएँ छः, द्वितीयाएँ छः, दो अठे सोलह, दो पाँचे दस, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो पहला और दूसरा दोनों कंप्लीट। प्रश्न संख्या तीन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अर्धगोला, अभी हम लोग इससे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े थे, अब यहाँ पर अर्धगोले का बात कर रहे हैं। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr². आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो त्रिज्या दिया है ना, लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr², ठीक है। अब देखिए 3 का 3, पाई का मान 22/7, आर दिया है 10 का स्क्वायर, 10 गुना 10 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, गुना करने के लिए 10 दहाँ 100, 100 से और 22 करेंगे 2200, 2200 से 3 से करेंगे 6600, 6600 में 7 से भाग दे देंगे। आइए रफ में 6600 में 7 से भाग देते हैं, 57/56, 7/9 63, यहाँ से 3 7/4 का 28, यहाँ से 2 7/2 14, 6/0 7/5 7/8 56, यहाँ से 4/0 7/5 35, यानी देखो लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि पॉइंट के बाद वाला नहीं लिखता हूँ, सिर्फ ये लिखूँगा, क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत सारे अंक अभी आने वाले हैं, ऐसा नहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बातों से सहमत हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अप्रॉक्स हमारा भाग देंगे 942.85 लिख लेता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर में ही आएगा, स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। चार नंबर देखो, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है कि 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तब आपसे पूछा गया कि इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले दोनों स्थिति का अलग अलग गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। पहली स्थिति, ठीक है, सबसे पहले त्रिज्या पहले के लिए 7 दिया है गुब्बारे का त्रिज्या आर दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, अब गुब्बारे कैसा होता है भाई, किस तरह का होता है, गोलाकार होता है, गोला के जैसा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि गुब्बारे का कोई फॉर्मूला होगा। गुब्बारा किस तरह का होता है, गोलाकार, तो गोला का क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr². तो देखो 4 का 4, पाई है 22/7 और आर है 7, तो 7 गुना 7, 7 7 कट गया, यहाँ से 2/4 का 88,
88 और 7 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 88 सात 56 616 ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में चलेंगे, दूसरी दूसरी स्थिति में गुब्बारे का त्रिज्या, गुब्बारे का त्रिज्या क्या है, R बराबर 14 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr² तो यहाँ से 4 का 4, पाई का मान 22/7, आर है 14 × 14, 7 × 14, तो 22 का 88 और 14 × 28, इसको मैं गुना करके लाता हूँ, तो 88 और 28 से गुना करेंगे, 88 और 28 से गुना करेंगे तो 2464 आएगा, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से क्या करते हैं, हमको अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, अनुपात। तो लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, पहली स्थिति क्या है 616 और दूसरी 2464। ठीक है, तो देखो पूरे पूरे 4 बार में कट जाएगा, यानी हमारा 1/4 आ गया, तो लिखेंगे अतः पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा 1:4 होगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 हमारा कंप्लीट। ठीक है, 5 देखेंगे, 5 है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 रुपये प्रति 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मैं बनाता हूँ, सबसे पहले कटोरे का आंतरिक त्रिज्या जो दिया है ना, वो क्या दिया है, व्यास है 10.5, त्रिज्या हो जाएगा 5.25। ठीक है, लिखेंगे कटोरे का कटोरे का आंतरिक त्रिज्या आर कितना हो जाएगा, 10.5 व्यास है ना, आर हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, क्योंकि आधा होता है। ठीक है, तो कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोला है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा एक कटोरा किस तरह का है, अर्धगोला है, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। लिखेंगे कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², क्योंकि कटोरा का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना किस तरह का है, अर्धगोलाकार है, इसलिए 2πr² होगा। ठीक है, यहाँ अर्धगोला का सूत्र लगेगा। ठीक है, चलिए तो निकालिए, तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 5.25 है, स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे, दशमलव हटाएंगे 00, दशमलव हटाएंगे 1/00,
अब इसको करो तो दो से ये 50 बार में कट जाएगा, फिर पाँच से ये 10 बार में, पाँच से 1 0 5 बार में, फिर पाँच से कटा दो इसको, पाँच से ये 21 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में, 2 से 11 बार में कट गया। इसको कटाओ पाँच से ये 20 बार में, इसको पाँच से 105 बार में, फिर पाँच से 5 का 20 कट जाएगा, फिर पाँच से 21 बार में। अब देखो 11 गुना 21 गुना 21 और नीचे 7 गुना 4, ठीक है। 11 21 21 इनको क्या करेंगे, गुना करेंगे, सबको क्या करेंगे गुना, और इतना से भाग देंगे। अब भाग देते हैं तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। रफ ले ले पेज, 21 21 441 होता है, और 11 से गुना कर दो, 441 441 1 5 8 4। अब इसको 7 28 ले भाग दे दो, 28 2 56 28 एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 20, अब नहीं जाएगा तो 5। अब कितना से करें, 28 को 7 से करो, 8 7 56 8 7 56 7 2 14 5 19, ये हो जाएगा 9, क्योंकि इधर से 96 4 ये 9 आ जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 1। अगेन इसको 28 दिया, 28 दे कितना हो जाएगा, 8 3 24 4 और 3 2 6 6 2 8 84, यहाँ से कितना जाएगा 84 6 90 7 आ जाएगा, नहीं जाएगा दशमलव बैठाएंगे। इसको दो बार में करेंगे, 28 2 56 फिर यहाँ से कितना जाएगा 56, यहाँ से 4 और ये दे देगा हमें 2, 2 देगा 3 देगा, ये 10 ये 4 ये 6 14 हो जाएगा। अब जीरो करेंगे तो 28 5 140 यानी 173.25। देखो जब इसको मैंने गुना किया तो 48 51 आया, और जब इसको गुना किया 28, और जब इसको मैंने भाग दिया क्या आया है 173.25 आया है, ठीक है। एक कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये आया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर² की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ का कलाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर² की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय मतलब खर्च का व्यय क्या हो जाएगा। देखो हमें इतना पर कराना है ना, क्षेत्रफल क्या है 173.25 है, कितना ले रहा है 16, कितना पर 100 रुपया पर, 100 सेंटीमीटर पर, 100 से भाग दे देंगे। अब इसको कटा दो, ये हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे और इससे भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यदि मैं इसको करता हूँ कितना जाएगा, आइए करके देखता हूँ, 1 2 1 7 3 2 5 को 16 से गुना कर दो, 6 5 35 के 0 हासिल 3, 6 2 12 3 15 36 18 18 36 18 18 18 1 19 7 6 42 43 6 4 10 5 2 3 7 1 0 10 9 2 11 1 12 3 3 6 1 7 7 के 7 2। अब इसमें कितना से भाग देना है, देखो जब मैंने इसको गुना किया तो 2 7 7 2 00 आया, 100 100 गुना करेंगे तो 1 पर 4 0, जब इसको भाग दोगे ना तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना जाएगा 27 पॉइंट
27.72 ये हमारा खर्च लगेगा। ठीक है, इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने के बाद कितना लगेगा, 27.72 रुपया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। चलो प्रश्न संख्या ये हमारा कौन सा कंप्लीट हुआ, 5। ठीक है, अब 6 देखेंगे। 6 नंबर है कि उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, इसका त्रिज्या ज्ञात करना है तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑलरेडी हमें दिया गया है। लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है, गोले का त्रिज्या। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है 4πr² बराबर, ये हमारा 154 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहीं से मालूम चलेगा। अब आर स्क्वायर बराबर 154, ये 4π इसमें गुना कर दे रहेगा तो भाग कर देगा 4π। ठीक है, अब आर स्क्वायर बराबर इसको क्या करते हैं, कटा देते हैं। कैसे कटाएंगे भाई, कटाने में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा आप लोगों को। देखो 154 का 54 ए 4 गुना पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 154 गुना ये 7 क्या कर, देखो 154 में 4 और 22 भी भाग कर रहा है और ये भी भाग कर रहा है तो ये तीसरा अंक हो गया ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या कर देगा, गुना, और ये 4 गुना 22। अब इसको कटा दो, 2 से 7 × 14 और 7 × 14 77 बार में, अब ये देखो 2 से 2 बार में। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर 77 × 7/44 ये आ गया। ठीक है, देखो इसको मैं कटा सकता हूँ 11 से 11 7 77 11 6 44। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 49 और नीचे 4। अब देखो ए स्क्वायर है ना, बराबर के साइड आएगा तो रूट लगता है, ये सब आपको पता होगा ही। तो आर बराबर 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और 4 का वर्गमूल 2, आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आप यदि इसको और भाग करके देखना चाहते हो तो 7 में 2 से भाग दोगे, 3.5 सेंटीमीटर आंसर, यानी गोले का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए 7 नंबर देखते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, मतलब जो चंद्रमा का व्यास है ना पृथ्वी के व्यास से 1/4 है, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, उसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, पृथ्वी का त्रिज्या निकालते हैं। कहाँ से निकालेंगे भाई, मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना पृथ्वी की त्रिज्या, माना पृथ्वी की त्रिज्या आर है, हमने त्रिज्या आर मान लिया। अब बताओ त्रिज्या आर है तो पृथ्वी का व्यास क्या होगा, इससे दोगुना होगा, इसलिए पृथ्वी का व्यास क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, मतलब 1/2 × 2r हो जाएगा। क्या, चंद्रमा का व्यास, लिखेंगे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से क्या है, 1/4, यानी 1/4 2r हो जाएगा। ठीक है, इसको कोष्ठ में भी कर सकते हो, ये चंद्रमा का व्यास हो गया। अब चंद्रमा का व्यास आ गया तो इसका त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आधा कर देंगे। देखो सिर्फ हम पृथ्वी का माने हैं उसके अकॉर्डिंग ही चंद्रमा का निकाल रहे हैं, चंद्रमा का त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/
यानी 2r/4 और उसके बटा 2। ठीक है, यहाँ से देखो ये हमारा 2 और 2 कट जाएगा, यानी हमारा r/4 आ जाएगा। ये क्या आया? त्रिज्या किसका? चंद्रमा का। अब हम क्या करेंगे, इसका अनुपात ज्ञात करना है ना, चंद्रमा और पृथ्वी का। तो लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखो तो चंद्रमा का क्या हो जाएगा, 4πr². r का मान क्या है भाई चंद्रमा का? r/4 का स्क्वायर। और नीचे 4π, इसका क्या है त्रिज्या? क्या है त्रिज्या? r है, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये 4π कट गया, यदि इसको करोगे तो r² होगा, 4 का करोगे 16 हो जाएगा बटे r², तो यहाँ r² कट जाएगा, ऊपर 1 नीचे 16, यानी इसका अनुपात क्या हो जाएगा चंद्रमा और पृथ्वी का? 1:16। लिखेंगे अतः चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:16 है। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब देखो 8 नंबर देखेंगे, 8 नंबर थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटे स्टील से बना है, इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये कटोरा है, ये जो इसका मोटाई है अंदर वाला वो कितना है 0.25। ठीक है, और इसका इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ का जो त्रिज्या है वो कितना है 5, कितना है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो है ना ये है 0.25 सेंटीमीटर, यानी पूरा जब निकालोगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा त्रिज्या को। ठीक है, तो लिखेंगे कटोरे का आंतरिक त्रिज्या, कटोरे का आंतरिक त्रिज्या, कटोरे का आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा r = 5 सेंटीमीटर, कटोरा का मोटाई है कितना 0.5 सेंटीमीटर, कटोरे का मोटाई, कटोरे का मोटाई क्या होगा 5 + 0.25, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, टोटल कटोरे की मोटाई हो गया। अच्छा एक मैंने मिस्टेक किया ना, टोटल थोड़ी भी निकालें, सिर्फ कटोरे की मोटाई लिखना है मेरे को, ये काटो। अभी मत करना सर आप काट कूट कर दिए, कभी कभी होता है, मैथमेटिक्स है मेरे भाई। कटोरे का मोटाई जो दिया उसको पहले लिखते हैं, कटोरे का मोटाई क्या है 0.25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो कटोरे का बाहरी त्रिज्या निकालेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, कटोरे का बाहरी त्रिज्या, कटोरे का बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक वाला और इसको भी, ये हो जाएगा 0.25 + 5, जोड़ देंगे 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बाहरी वक्र मतलब पूरा निकालना है ना, देखो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरा निकालना है, तो लिखेंगे कटोरे का बाहरी
कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr². कटोरा क्या होता है भाई? आधा होता है, अर्धगोला हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिखा भी है। अर्धगोला पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr². 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान है 5.25 गुना 5.25। यहाँ से क्या करोगे, जो कटेगा कटा देंगे, जो नहीं कटेगा छोड़ देंगे। ये 7 से कट जाएगा, कितने बार में? 0.75 बार में। अब सबको गुना कर दो, आंसर हो जाएगा 2 × 22 × 0.75 × 5.25। जब गुना करोगे तो देखो जब मैंने रफ में इसको गुना किया तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, यानी कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 173.25 होगा, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर क्या है? एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए हैं। देखिए यह आकृति में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, यहीं पर आंसर लिख देता हूँ, 4πr² हो जाएगा, 4πr², क्योंकि लंब वृत्तीय बेलन का त्रिज्या आर है। देखो इसका जो त्रिज्या आर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4πr² हो जाएगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन देखो, बेलन कैसे होगा भाई? बेलन जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, ये पूरा, यानी ए आर यहाँ तक ए आर और यहाँ से यहाँ तक ए आर, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा बेलन के लिए। बेलन के लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2r। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बोलो? 4πr² हो जाएगा। देखो 2πr होता है, 2πr होता है और त्रिज्या हमारा कितना है? 2r है, ठीक है। तो दोनों को गुना कर देंगे तो 4πr² आंसर, ठीक है, 4πr² हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? देखो मैं क्या बताना चाह रहा था, यहाँ समझ लो। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अब बताया करो। 2πr होता है, बोलोगे सर ये होता है, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr होता है। तो हमें देखो यहाँ पर 2πr तो है, अब एच जो मैं 2r लिखा था वो कहाँ से लिखा था? ये देखो, ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्या, तो ये पूरा मिलकर दोनों क्या मिलेगा? हाइट बनेगा। तो यहाँ से हाइट r 2r हो जाएगा। हाइट कितना है? 2r, वही मैंने मल्टीपल किया था तो 4πr² हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना है। थर्ड के लिए ऊपर वाला 4πr² है और नीचे वाला भी 4πr² है, कटा दो एक एक, यानी 1:1 हो जाएगा। देखो कितना आसान है। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है।